यहाँ के बैच के जिनके लिए सबसे है अभी सलामती से लागू रखते हैं या शास्त्रीय सरंजाम देते हैं। और ये है पुलिस के बाद ये हम पूरी सभा की सक्रिय मशगूल कर रहे हैं। आज फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है और आप देख रहे हो कि इसमें ना केवल मार्च पास्ट बल्कि जितने कल्चर प्रोग्राम आप देख रहे हो तो इसकी छोटी सी झलक आप ज़रूर सबको दिखाएं अपने माध्यम से। और लोगों से मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आके इस समारोह में पार्टिसिपेट करें और हिस्सा बने आज़ादी के अमृत महोत्सव में। 77वां जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं इसके वो हिस्सा बने। आज सुबह आपने देखा तिरंगा यात्रा हुई, उसमें सिविलियंस और जो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, उसकी भी बहुत बहुत बधाई सभी को। सर, ये 10 साल के बाद यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, तो क्या अरेंजमेंट्स है? पूरे इसमें अरेंजमेंट्स है और यहाँ इसलिए कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके और इसका हिस्सा बन सके। इसलिए आपसे पुनः मेरा निवेदन है कि इसको दिखाइए और सब ताकि आए और देखें कि किस तरह से मनाया जा रहा है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पास की ज़रूरत नहीं है, आप आएंगे और यहाँ पे आप आ सकते हैं। आप 9 बजे तक आ जाना है, ठीक है? थैंक यू। अब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मिलके 3 टायर सिक्योरिटी का प्रबंध किए हम लोग, उसके अलावा ड्रोन सर्वेलेंस रहेगा और हेप्टर से भी एरियल रेकी भी किया जाएगा और पूरा बंदोबस्त ऐसा किया जाएगा कि आवाम को कोई दिक्कत नहीं हो। ट्रैफिक का भी ठीक से अरेंजमेंट किया जाएगा। इस बार हम लोग आवाम से अपील करते हैं कि भारी संख्या में आके और 15 अगस्त के फंक्शन में शरीक हों। तो 10 साल के बाद यहाँ पे बक्सी स्टेडियम में आज ना इंडिपेंडेंस डे होगा, तो क्या अरेंजमेंट से स्टेडियम का लेकर क्या अरेंजमेंट है? जैसा आप खुद देख रहे हैं कि कितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पर है स्मूथली, क्योंकि स्टेडियम से यहाँ अच्छा जगह है, यहाँ पर है, यहाँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी, पार्किंग का भी सुविधा पूरा है, तो यहाँ पर ठीक अरेंजमेंट यहाँ पर। ये है एस पी हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मुजम्मिल विद्यालय।